गुड इवनिंग फ्रेंड, आज शाम के टाइम मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी एक इजी लेसन है, ये 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, तो उसके बारे में एक छोटा सा एक समरी बनाया, बहुत यूज़फुल होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी इसके अंदर जो भी पार्ट बनता है वो सब मैं पार्ट बनाऊंगा। ओके, प्रॉपर्टी का पहला पेज ये है, सेकेंड पेज देखो। प्रॉपर्टी का मतलब मे और मे नॉट, इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन मैक्स में देखा जाएगा तो प्रॉपर्टी मतलब कितना बार हो सकता है, पॉसिबिलिटी में ढूंढते हैं, मतलब ये चीज़ होने का ज़्यादा चांसेस है क्या नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कैपिटल पी में इंडिकेट करते हैं, इवेंट को कैपिटल ई में इंडिकेट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट का वैल्यू अगर 1 आता है इसका मतलब वो पक्का होगा, मीन्स होगा। अगर 0 आता है वो चीज़ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 100 लेके आना एक बार चांस है, मतलब 100% हो सकता है एक बार, लेकिन 100 में 101 लेके आना पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होती है, कभी कभी 0 भी होती है। इसके कारण से प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और कभी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 से कम होती है, कभी कभी 1 भी होती है। इसके कारण से प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। कुल मिला के ये हुआ, प्रॉपर्टी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। इसकी वैल्यू हमेशा, हम इसका मतलब ये हुआ, प्रॉपर्टी का जो वैल्यूज होता है वो पॉइंट के अंदर ही रुक जाएगा, मतलब 0 point something something, मतलब 0.xx, मतलब कुछ वैल्यूज, एग्जांपल के लिए 0.123। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है, फेवर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। फेवर ऑफ इवेंट मतलब वो होता है जो जिसका हम लोग ढूंढना चाहते हैं उसको ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल, जितना बार आप ट्रायल्स किया, जो नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स कितना है उसको नीचे लिखना है, और फेवर जिसका ढूंढना चाहते हैं। नेक्स्ट, कोई भी जो फेवर ऑफ इवेंट हम लोग ढूंढते हैं, सबका ढूंढते वैल्यू, सबका वैल्यू 0 point something something, लेकिन सबको ऐड करने के बाद उसका समेशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है, सबका पॉसिबिलिटी ढूंढ के रखा है, पर nth इवेंट जहाँ तक अपने ढूंढते हैं वहाँ सबका एडिशन करेंगे तो अगर 1 होगा इसका मतलब जो इवेंट, इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन हम सॉल्व करें वो सही है, इसका मतलब ये हुआ। अगर 1 नहीं आता इसका मतलब वो कोई इवेंट हमने जो करा है उसमें मे बी कुछ मिस्टेक हो सकता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो प्रॉपर्टी के अंदर, सेकंड वीडियो में आपको देखूंगा, अपलोड करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।